और यहाँ का बराबर हमको शिकायत मिलता है कि दो बजे बजे विद्यालय बंद हो जाता है क्या मैटर है कोई बात नहीं है सर नहीं है तो हर विद्यालय हाँ, मतलब तो आज बंद हो चुका है अच्छा ये बताइए कि शिक्षा के किस किताब में ऐसा लिखा था कि आज डेढ़ बजे विद्यालय बंद कर देना ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं नोटिस कुछ नहीं मिला है चले गलती किससे हुई है आज गलती तो क्या आप था? अपना गलती स्वीकार करते हैं सर हम तो अपन गलती तो हम नहीं है सर हम तो प्रेजेंट है लोकल शिक्षक दबंगा नहीं ना करते हैं है ऐसा तो नहीं, नहीं।, 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 नहीं कि है कि वो जोर लगाते हैं कि आप बाहर से आए हैं तो हम जब मन होगा तब आएंगे तब तो 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 जाएंगे ऐसा बात नहीं है नहीं है न सुधर में आता है एक दिन मास्टर हफ्ता में एक दिन आता है बुलेट से आता पूछिए ना कौन आता है दो एक दिन दो दिन कोई किया कोई हरियर चल गया दो तीन बजे छुट्टी होना चाहिए अभी कर दिया छुट्टी ये तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कौन ऐसा मास्टर जब हो जाता है कौन ऐसा मास्टर जो बुलेट से आते हैं नाम क्या है नाम बताइए ना सर सर कहाँ के हैं सर वहाँ थे उधर है सर कौन गांव हुआ सर बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास सरकार भी कर रही है मीडिया भी कर रही है और शिक्षक भी कर रहे हैं लेकिन अगर इन तीनों का नाम लिया जाए तो सबसे पीछे शिक्षक हैं विद्यालय को सुधारने में चूंकि अभी हम मौजूद हैं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में और एक विद्यालय है मध्य विद्यालय हलिमचक और आज तारीख है चौदह नवम्बर चौदह नवम्बर स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और इस जन्मदिवस के अवसर पे बाल दिवस मनाया जाता है क्योंकि उनको बच्चे से काफी लगाव था इसलिए बाल दिवस मनाते हैं अब बाल दिवस के दिन देखिए किस तरह से शिक्षा में जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है बगल में सर हैं चूंकि अभी ये मौजूद हैं तो इनका मैं तारीफ करता हूं इनका मैं सराहना करता हूं कि आप अभी तक विद्यालय मौजूद हैं लेकिन सारे के सारे बच्चे गायब हैं विद्यालय में ताला लग गया है एक मैडम है वो आप यहीं के रहने वाली हैं एक ये मैडम है और विद्यालय जो है समय से पहले कहीं ना कहीं बंद हो चुका है और ये आज का बात नहीं है सभी अभी तो खैर ये तो अभी मौजूद हैं और भी हम विद्यालय में देख रहे हैं तो शिक्षक ही गायब हैं पता नहीं क्यों

क्या आप था? अपना गलती स्वीकार करते हैं सर हम तो अपन गलती तो हम नहीं है सर हम तो प्रेजेंट है यहाँ पर प्रेजेंट है फिर भी सर बच्चों को रोकना चाहिए कहीं ना कहीं ये आपके तरफ से ढिलाई दी गई है तभी बच्चे भाग गए हैं अच्छा कितने शिक्षक यहाँ पे मौजूद है चार शिक्षक मौजूद थे और दो कहाँ गए एक तो अभी चले गए एक तो आईवे नहीं किया सर उनको सीएल सीएल लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं लगाए हैं दिखा नहीं सर देखना नहीं है आप बोल रहे हैं चूंकि भरोसा है देखिए सर हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि सभी का रिस्पेक्ट करते हैं चाहे वो गुंडा हो चाहे वो मवाली हो चाहे लफुआ हो लेकिन आप शिक्षक हैं आप तो आदर्श हैं सर आपके लिए काफी सम्मान है हमारे अंदर हम हमारे आपसे कोई लड़ाई नहीं है हम चाहते हैं कि से आप विद्यालय मौजूद हैं सर तो क्या दिक्कत है अगर बच्चे दो ग, ए, एक घंटे और एक्स्ट्रा रह लेंगे तो कोई दिक्कत तो, थोड़ी होगी दिक्कत नहीं है ना तो ये चीज नहीं होना चाहिए चूंकि देखिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो शिक्षक काम करते हैं उनको तनखा और ज्यादा तनखा बढ़ा के दीजिए और जो शिक्षक काम नहीं करते उसको स्कूल से निकाल दीजिए तो जो ऐसे शिक्षक विद्यालय नहीं आते हैं

प्रखंड में बीओ होते ये सब करते क्या है सवाल तो इन लोगों के ऊपर उठना चाहिए कि आखिर बीओ साहब आप प्रखंड में जांच करने के लिए नियुक्ति आपको किया जाता है तो आप करते क्या है कहां आप जाकर घूमकर देखे क्या, क्या विद्यालय सुधार दिए हैं मैं फतेहपुर ब्लॉक के जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं और शिक्षक संघ संकेत मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप हमको कैसे दस विद्यालय का नाम बता दीजिए जो बढ़िया तरीके से चल रहा है फतेहपुर में जो काफी सौंदर्यकरण है उस विद्यालय का जहां अगर विद्यालय घुसेंगे तो नहीं ये विद्यालय है बताइए दस गो नाम बता दीजिए कि समय पे विद्यालय खुलता हो समय पे विद्यालय बंद हो जाता हो आपको नौ बजे सरकार कहती है कि विद्यालय आइए और चार बजे घर जाइए लेकिन हम लोग क्योंकि हम मीडिया का अवसर से नहीं बोल रहे हैं गार्जियन लोग कहते हैं कि आप नौ बजे नहीं तो दस बजे आइए तो लेकिन कम कर से कम दस तीन विद्यालय में रहिए और बच्चों को पढ़ाइए क्या सर बिल्कुल आप लोग बच्चे का है एडमिशन है लगभग एक कितने आज आए थे आज करीब करीब सर पैंसठ बच्चे आए थे पैंसठ बच्चे आज कितना तारीख है चौदह नवम्बर क्या है आज बाल दिवस आज बाल दिवस है दिवस। बाल दिवस क्यों मनाते हैं सर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के आधार पर मनाया जाता है उनका जन्म दिवस उनका जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं हाँ। उनका जन्म कब हुआ था सर पता है चौदह नवम्बर अठारह सौ नवासी ईस्वी को चलिए बहुत अच्छा बच्चों को बताए हाँ, बताए लिख दिए हैं बोर्ड पे लिखे हैं है अच्छा ये बताइए कैमरे पे आप पहले वादा कीजिए कल से आपका विद्यालय नौ से तीन नौ से चार चलेगा कि नहीं चलेगा पक्का पक्का मैडम आप के रहने वाली है तो आप तो बगल में बगल में आपका घर है तो क्या दिक्कत है आप तो बजे जा सकते हैं यहाँ से सर नौ से चार रहिएगा ना जी सर के साथ दीजिएगा ना जी हम देते हैं सर पूछिए है सर से लोकल शिक्षक दबंगई नहीं ना करते हैं है ऐसा तो नहीं है कि वो जोर लगाते हैं कि आप बाहर से आए हैं तो हम जब मन होगा तब आएंगे तब मन जाएंगे ऐसा बात नहीं है नहीं है ना सभी आपका बात मानते हैं ना है मानते तो तो अगर आप आदेश देंगे सर तो आपको लगता है की सब पहले भाग जाएंगे नहीं ना भागेंगे ना आज तो अमूमन भाग गए हैं सर बाल दिवस के आधार पर जी 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 कोई बात नहीं सर हाथ जोड़ विनती है

बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास मैट्रिक तो पास पास है करेगा चूंकि मानते हैं मैट्रिक पास कर लेगा इंटर पास कर लेगा लेकिन वन टू टेंथ का जो ये क्लास है जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राइवेट विद्यालय में सभी सरकारी शिक्षा का बच्चा पढ़ता है हमारे घर में खुद हमारे मतलब कितने भी परिवार में टीचर हम सभी उन लोगों लोग को बोलते हैं क्या मैंने प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं और ट्यूशन ट्यूशनिंग करते हैं कोचिंग इसके बाद भी सरकारी स्कूल भी आए हैं अच्छा एक बात बताइए आपके एजुकेशन पे आपको खुद भरोसा नहीं है तभी तो आप लोग भेजते हैं प्राइवेट विद्यालय में आपको लगता है कि हम अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाएंगे अब बाकी किसी का बच्चा जो किसी का पेरेंट्स से कोई बोलने वाला नहीं है तो आप लोग जैसे तैसे पढ़ा देते हैं एट्टी परसेंट जो पुराने शिक्षक बहाल किए गए हैं तीस सही है तीस परसेंट सत्तर ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाना नहीं आता है तो चूंकि हमको देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिनको पढ़ाना नहीं आता है वो गाना गाने के लिए सीखिए जिनको गाना गाने के लिए नहीं आता है वो एक्सरसाइज करवाइए लेकिन कुछ तो विद्यालय में करवाइए बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको अच्छे तरीके से लिखना नहीं आता है पढ़ना नहीं आता है तो चूंकि ये गलती सरकार की थी कि आपको पहले परीक्षा लेनी चाहिए तब बाली करना चाहिए है ना सर बिल्कुल आप अपना परिचय दीजिए नाम क्या हुआ आपका मेरा नाम कृष्णदेव मिस्त्री है अच्छा और मेरा घर प्रखंड में होता है प्रभारी में है है आप प्रभारी में है। प्रभारी में प्रभारी में बक्का वादा से टाइम पे चलेगा ना विद्यालय टाइम से चलता है सर वही मिनट कभी लेट लतीफ आए अलग बात नहीं लेट लतीफ कभी हो जाए कोई दिक्कत नहीं सर कभी हम लोग बोलने नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है प्रतिदिन का ये रवैया नहीं होना चाहिए ठीक है ना और डीओ साहब और डीएम साहब से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे शिक्षक जो अपनी गलती स्वीकार करते हैं जो अच्छा करने का प्रयास करते हैं उनको कहीं ना कहीं जो है प्रोत्साहन के रूप में कुछ देना चाहिए जो मेहनत करते हैं जो अच्छा करते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए लेकिन जो गलत करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए चलिए सर बोले हैं कि हम विद्यालय में सुधार करेंगे लगातार नजर बनाए रखेंगे इस विद्यालय में कल का रूटीन भी हम देखेंगे

अच्छा क्या करते हैं आप खेती करते हैं आप ऐसा चाहते हैं कि आपके घर के बगल में जो विद्यालय है बढ़िया तरीके से चले ताकि आपके बच्चे प्राइवेट में न जाए पढ़ने चाहते हैं चाहते हैं ना यस तो आप क्या करते हैं उसके लिए उसके लिए क्या करेंगे जब मन होता है जब भाग जाता है कोई उधर मास्टर कोई उधर हफ्ता में आता है एक दिन मास्टर हफ्ता में एक दिन आता है बुलेट से आता है कौन मास्टर एक दिन हफ्ता में आता है पूछिए ना कौन आता है ये दो दिन दो दिन कोई ने कोई हरियर चल गया दो तीन बजे छुट्टी होना चाहिए अभी कर दिया छुट्टी ये तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कौन ऐसा मास्टर जब हो जाता है कौन ऐसा मास्टर जो बुलेट से बुलेट आते हैं नाम क्या है नाम बताइए ना सर सर कहाँ के हैं लड़का भी नहीं है हाँ। सर। सर। सर? है सर सर उधर कौन गांव हुआ सर बुलेट से घूमते हैं ना गलती ये नहीं है कि वो बुलेट से घूमते हैं वो हाथी पर घूमे वो फॉर्चुनर पर घूमे उसे हमको समस्या नहीं है समस्या ये है कि वो विद्यालय में सही समय पर आए अच्छे तरीके से पढ़ाए क्या जी क्यों ऐसे वो करते हैं सर करता है तो समझाते हैं हम लोग बड़ी हैं और डी ओ साहब के पास भी एक आधुन कम्प्लेन किया तो भी बोले कि समझाइए नहीं समझता तो जैसे कि उनको फिर से दोबारा दीजिए नहीं, नहीं आप सीधे डी ओ साहब को डी ओम साहब को लेटर लिख के दे दीजिए उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर नहीं पढ़ाने उनको नहीं पढ़ाने का मन है अगर बुलेट से घूमने का मन है घूमिए कोई दिक्कत नहीं आप फॉर्चुनर से घूमिए हाथी से घूमिए उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है लेकिन विद्यालय में आइए और पढ़ाए तब जाइए आज भी वो नहीं आये थे नहीं आए थे उनका लगा दिए हैं एबसेंट हाँ एबसेंट तो नहीं पूछे कहा आए हाँ तो तबियत खराब सेल भर सेल भर दिए ना साल भर में कि, कितना है। होता है सर सोलह सोलह को ज्यादा नहीं लेते हैं सोलह नहीं फिर भी अगर ज्यादा इस तरह का प्रभाव करते हैं उनको कहिए कि आप नौ बजे पहुंचिए चार बजे जाइए और नहीं मानते हैं तो हमको भी बुलाइएगा पूरा गाँव वाला कोई इकट्ठा कर करिएगा ठीक है ठीक और इकट्ठा करके उनके खिलाफ में लेटर लिखिएगा हम लोग सब सिग्नेचर करवाएंगे ठीक है चलिए इस तरह की लापरवाही देखिए कहीं ना कहीं शिक्षकों की दोषी है एक दो शिक्षक के चलते पूरा शिक्षक बदनाम हो गए हैं अगर इनके जैसे शिक्षक बढ़िया करने का भी प्रयास करते हैं तो एक दो लोग जो है बदनाम करके रख देते हैं हर विभाग में एक दो लोग करप्ट है एक दो को मीडिया वाला जो रहता है सबको बदनाम कर देता है एक दो को शिक्षक वाला रहता है सब शिक्षक को बदनाम करता है एक दो को डॉक्टर सारा डॉक्टर को बदनाम कर देता है तो इन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए सबसे पहले यही शिक्षक लोग अगर चाहेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा जो गंदे मानसिकता के लोग हैं जो गंदे मानसिकता के शिक्षक हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त सक पहले कार्रवाई होनी चाहिए तभी विद्यालय में सुधार संभव होगा धन्यवाद